हेलो एवरीवन आई एम प्रियंका मिश्रा वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स आज हम हिंदी वसंत भाग तीन से क्लास एट्थ का चैप्टर नंबर फाइव चिट्ठियों की अनूठी दुनिया के प्रश्न उत्तर देखेंगे। इस पार्ट की जो समरी है मैं आपको प्रीवियस वीडियो में समझा चुकी हूँ आप हमारे चैनल पर जाके इसको सर्च कर लीजिए चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं चिट्ठियों की अनूठी दुनिया के प्रश्न उत्तर फर्स्ट क्वेश्चन है पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश क्यों नहीं दे सकता इसका उत्तर होगा पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश नहीं दे सकता क्योंकि पत्र जो काम करते हैं कर सकते हैं वो नए जमाने के संचार के साधन नहीं कर सकते पत्र जो काम करते हैं, अब व्हाट्सएप वगैरह होते हैं हमारे मैसेज हम करते हैं लेकिन हम वो मैसेज को सह सहेज के तो रख पाते नहीं हैं भाई हमको कभी ना कभी उनको डिलीट करना पड़ता है लेकिन जो पत्र होते हैं वो क्या है उनको हम सालों साल तक संभाल के रख सकते हैं पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं राजनीति साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं दुनिया का तमाम साहित्य केंद्रों पर पत्रों पर केंद्रित है और मानव सम भ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है क्या होते हैं पत्र बहुत से पत्र ऐसे हैं जो लिखे गए हैं नेताओं द्वारा वो पत्र आज भी सहेज के रखे हुए हैं अगर यही चीज़ हम मोबाइल से व्हाट्सअप से भेजते तो वो क्या वो आज भी संग्रह होते नहीं होते ना तो पत्र हर क्षेत्र में जैसे राजनीति हो साहित्य कला कोई भी क्षेत्र हो वहाँ पर अहम भूमिका निभाते हैं चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर दो पत्र को खत कागद उत्तरम जाबू लेख कडिद पाती चिट्ठी इत्यादि कहा जाता है इन शब्दों से संबंधित भाषाओं के नाम बताइए पत्र को उर्दू में खत कहते हैं और चिट्ठी भी कहते हैं संस्कृत में इसे पत्र कहते हैं कन्नड़ में कागद कहते हैं तेलुगु में उत्तरम कहते हैं जाबू और लेख हिंदी में पाती तथा तमिल में कडिद कहा जाता है चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीन पत्र लेखन की कला के विकास के लिए क्या क्या प्रयास हुए लिखिए पत्र लेखन की कला के विकास के लिए निम्न प्रयास हुए हैं डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए हैं पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया है विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के पत्र लेखन के लिए प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला उन्नीस से शुरू किया गया है पत्र लेखन जो है पत्र लेखन के लिए आप लोगों को भी चाहे जा, वो फर्स्ट का बच्चा हो या सेकेंड क्लास में पढ़ता हो या थर्ड होता है तभी से उनको लेख पत्र लेखन या लेटर लिखना हिंदी इंग्लिश दोनों में सिखा दिया जाता है ताकि उनको पत्र की जो है अहमियत पता रहे कि पत्र कैसे लिखा जाता है या पत्र आ, किस तरीके से पत्र में लिखा जाता है आप लोगों को आता आता है ना फर्स्ट से आपको स्कूल में बताया जाता है कि पत्र कैसे लिखा जाता है और डाक विभाग के लिए भी उन्होंने बहुत सारा मतलब उन्हें संचार के साधन बहुत सारे दिए हैं जिससे डाक विभाग का जो है डाक विभाग को डेवलप करने के लिए नए नए तरीके अपनाए गए हैं डाक विभाग खुद विश्व डाक संघ जो है वो सोलह वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं भी आयोजित कर रहा है उन्नीस सौ बहत्तर से चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर फोर पत्र धरोहर हो सकते हैं लेकिन एसएमएस क्यों नहीं तर्क सहित अपना विचार लिखिए आज देश में ऐसे लोग की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज और संजोकर विरासत के रूप में रखे हुए हों पत्रों को तो आप सहेज कर रख लेते हैं पर एसएमएस संदेशों को आप जल्द ही भूल जाते हैं कितने संदेशों को आप सहेज कर रह सकते हैं तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं भारत में इस श्रेणी में पिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है दुनिया के तमाम संग्रहालय में जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है इसलिए कहा जाता है कि पत्र धरोहर हो सकते हैं लेकिन एसएमएस नहीं अब पत्र क्या होते हैं ना पत्र सालों सालों तक संभाल के रखे सकते हैं और एसएमएस को सालों तक संभाल के नहीं रखा जा सकता है अब जो महात्मा गांधी द्वारा लिखे गए या रविन्द्र टैगोर द्वारा लिखे गए जो भी महान हस्ती थे उनके पत्रों का एक संग्रहालय बना दिया गया अब एस का संग्रहालय तो बना नहीं सकते थे इसलिए कहा गया है कि पत्र धरोहर है मतलब वो हमारी धरोहर हैं पूंजी हैं जिनको हम संभाल के रख सकते हैं लेकिन एस एस को नहीं चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव क्या चिट्ठियों की जगह कभी फैक्स ईमेल टेलीफोन तथा मोबाइल ले सकते हैं इसका उत्तर होगा चिट्ठियों की जगह कभी फैक्स ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल नहीं ले सकते क्योंकि ये सब वैज्ञानिक युग के हैंग जो मानों के लिए बहुत महत्व रखते हैं परंतु ये कभी भी पत्रों का स्थान नहीं ले सकते जितना प्रेम और अपनापन हमें पत्रों में लिखित एक एक शब्द द्वारा मिलता है वो इन विकसित संचार साधनों द्वारा नहीं इसलिए ये कभी भी चिट्ठियों का स्थान नहीं ले सकते चिट्ठियाँ क्या थी पहले चिट्ठियाँ जो हैं एक एक महीने में आती थीं चिट्ठियाँ ऐसे रोज़ रोज थोड़ी आती थी कि हमारा मन हुआ आज आजकल तो हमारा ऐसा मन हुआ कि हमें कोई बात करनी है फिटैक से व्हाट्सअप पे मैसेज कर दिया एक सेकंड में मैसेज वहाँ पहुँच गया लेकिन जो चिट्ठियों थी उसकी कीमत क्या थी भाई एक एक महीने में डेढ़ डेढ़ महीने में पता संदेश आता था तो जब उसको पढ़ा जाता था ना तो उसका एक अलग ही महत्व होता था भाई उसका इंतज़ार लंबा और जिस चीज़ का जितना लंबा इंतज़ार करेंगे वो उतनी ही अच्छी लगेगी तो इसलिए कहा गया इसलिए जो है चिट्ठियों की जगह कभी भी फैक्स ईमेल टेलीफोन या मोबाइल कभी भी नहीं ले सकते हैं पत्र अपनी जगह पर सटीक हैं बिल्कुल पत्र की जगह कोई नहीं ले सकता ठीक है स्टूडेंट्स इसके जो है क्वेश्चन आंसर सब खत्म हो गए हैं अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके बहुविकल्पीय उत्तर बताऊंगी अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए कमेंट भी करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए ठीक है स्टूडेंट्स बाय बाय